बात करें दिल्ली की, जहां पर 12 संदिग्ध कोरोना संक्रमित मिलने की संभावना है। इसके बाद सरकार हरकत में आ गई है। केंद्र की गाइडलाइन को लागू करने के साथ ही लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल को ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए चिन्हित कर दिया गया है। दिल्ली में 30,000 से ज्यादा कोरोना बेड और ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था को मजबूत कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि 442 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की भंडारण क्षमता बनाई गई है और 121 मीट्रिक टन की उत्पादन क्षमता भी बढ़ा दी गई है। लेकिन आज हम लॉकडाउन के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? आपको बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों में पाबंदियां तो शुरू कर दी गई हैं, लेकिन इसके अलावा दुनिया के अलग अलग देशों ने ट्रैवल बैन कर दिया है, जिसमें कि इजराइल, जापान और मोरक्को जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा जर्मनी ने भी अपने तमाम अनवैक्सीनेटेड लोगों के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। और हो सकता है कि आने वाले 2 दिनों में अगर ओमिक्रॉन वेरियंट के संक्रमित देश में ज्यादा पाए जाते हैं तो सरकार लॉकडाउन तो नहीं लगाएगी लेकिन पाबंदियां लगानी शुरू कर देगी। इसलिए आपको क्या करना है, आपको वैक्सीन नहीं लगी है तो वैक्सीन जरूर लगानी है, फेस मास्क लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथों को बार बार धोते रहना है, और तभी हम कोरोना की तीसरी लहर से और ओमिक्रॉन से पार पा सकेंगे।